मनरेगा वन विभाग कार्यालय के 47 हाथी प्रभावित लोगों के बीच कुल 2,55,000 रुपए के मुआवजे का वितरण किया गया। इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि सिमडेगा में हाथी की समस्या लंबे समय से है और वन विभाग लगातार प्रयास कर रही है कि क्षेत्र में हाथी की समस्या खत्म करे। जहाँ पे भी हाथियों के द्वारा नुकसान किया जाता है वैसे जगहों के क्षतिपूर्ति का आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पे मुआवजा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा प्रशिक्षक बुलाया गया है जिसके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि लोग हाथी के भगाने के तरीकों को अपना सके। हजारीबाग में सर्वधर्म समन्वय समिति की ओर से जुलू पार्क स्थित बिशप आवास पे बिशप आनंद जोजो के नेतृत्व में क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके बाद केक काटकर मिलन समारोह मनाया गया। पाकुड़ के डीबीएल कंपनी की नीतियों के खिलाफ लोकल ट्रांसपोर्टर एकजुट होकर मशाल जुलूस निकाला। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि डीबीएल कंपनी सिंगल वेंडर नीति के तहत कोयला ट्रांसपोर्टिंग करवाने और सिंगल वेंडर नीति लागू करने से लोकल ट्रांसपोर्टरों को रोजगार पर असर पड़ेगा। सभी ट्रांसपोर्टरों ने सिंगल वेंडर नीति का विरोध करते हुए डीबीएल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर मशाल जुलूस निकाला। बोकारो में नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के अधिकारियों ने वाकथॉन का आयोजन किया। इस दौरान हवाई अड्डे से पत्थरकटा चौक होते हुए गांधी चौक समेत नया मोड़ तक 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए समरनाले तक पहुंचे। वाकथॉन में डीडीसी कृतिश्री एसपी चंदन झा और सीआरपीएफ कमांडेंट कमलेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि जिस तरीके से नशा युवाओं को अपनी जद में ले रहा है ऐसे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि लोग नशा से दूर रहे। धनबाद के निर्सा थाना क्षेत्र के मुगमा में एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खारवाल के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस के छापेमारी अभियान से कोल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में एक ही जगह दो दो पानी की टंकी है फिर भी ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव की महिला ये कहते हुए भावुक हो गई कि घर के पास दो दो हैंडपंप लगा है फिर भी वो काम नहीं करता और काफी दूर जाकर पानी लानी पड़ती है जिसमें काफी मेहनत लगता है। पानी की टंकी शोभा की वस्तु बनकर रह गई है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। गाँव में जो चापाकल है वो भी ठीक नहीं है। बोकारो के एमजीएम स्कूल में प्रो कबड्डी के तर्ज पे 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होगा जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह आयोजन कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड और बोकारो जिला कबड्डी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 27 से 30 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव विपिन कुमार ने बताया कि बोकारो जिले में पहली बार सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से बालक बालिका वर्ग की कुल 70 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रीय बेसहारा विकलांग वेलफेयर फेडरेशन के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए धनबाद में विकलांग और बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। फेडरेशन कार्यालय भीतसीपाड़ा में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है।